हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से पटिया मछली बनाने की विधि बता रही हूँ, जिसे पटगुजी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने 400 ग्राम पटिया मछली ली है और इसको अब बनाएंगे। देखिए कैसे बनाना है। इसका पेटी काटेंगे हाफ इंच में। काटते समय हाथ फिसल रहा है तो हम राख लगा के काटेंगे। राख लगा के काटने से हाथ नहीं फिसलेगा। यदि आपके पास राख मौजूद ना हो तो आप इसके जगह आटा यूज कर सकते हैं। सावधानी से काटे, सभी कटा चुका है। इसको अच्छे से मलेंगे और मलने के बाद पानी से साफ करेंगे। ये देखिए इसमें से कितना कचरा निकल रहा है पानी में से। तब तक साफ करेंगे जब तक पानी एकदम क्लीन ना दिखे। तो हम 5-6 बार साफ कर चुके हैं पानी से। लास्ट बार साफ कर रहे हैं। पानी बहुत ही क्लीन दिख रहा है। इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी अच्छे से मिला करके रख देंगे। मछली को फ्राई करेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मछली को फ्राई करेंगे। 2-3 बार करके मछली को फ्राई करेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से पक जाए तो इसको पलट देंगे। पक चुका है, निकाल लेंगे इसको। ब्राउन दिख रहा है। सेम तरीके से इसको भी फ्राई करना है। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस मछली को लकड़ी से बना रही हूँ। लकड़ी के बनाने से मछली हो या मीट हो, बहुत ही मीठा बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। यदि आपके पास लकड़ी मौजूद हो तो आप लकड़ी से बनाएं। यदि लकड़ी ना हो तो कोई बात नहीं, आप गैस पे भी बना सकते हैं। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। 50 ग्राम सरसों का पेस्ट लिए हैं, 2 लहसुन का पेस्ट लिए हैं, 2 टीस्पून लाल मिर्च रखेंगे, हल्दी रखेंगे, नमक रखेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें हल्का पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे। और मछली को बनाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें 10 दाना मेथी डालेंगे, सरसों डालेंगे, तेल को अच्छे से चारों तरफ से फैलाएंगे और उसके बाद फिर इसमें मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे इसको। इसको चलाते रहना है ताकि नीचे से जले नहीं। मसाला को अच्छे से पकाना है। जब अच्छे से, जब ऊपर से इसमें तेल तेल दिखाई देने लगे, तेल छोड़ दे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मसाला भुना चुका है। मसाला काफ़ी तेल छोड़ चुका है, भुना चुका है। इसमें अब पानी डालेंगे। 1/2 लीटर पानी डालेंगे और पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें मछली डालेंगे। उबाल आ चुका है, मछली डालेंगे और 10 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। आप पानी अपने अनुसार से डालें। आपको कितना ग्रेवी रखना है, गाढ़ा रखना है या पतला रखना है, उसी अनुसार से डालें। ये बहुत ही स्वादिष्ट मछली होता है पटिया मछली। आप इसमें से कोई भी कुछ भी नहीं निकलता है, मतलब आप बाज़ार से जितना लेंगे खरीदेंगे उतना ही बनेगा ये। इसमें से कोई भी कचरा नहीं निकलता है। और सब मछली में कुछ कचरा निकलता है, इसमें कुछ भी नहीं निकलता है। इसमें अब इसमें धनिया डालेंगे। लगभग पक चुका है, हम इसको उतार लेंगे। देखिए कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है।
तो जितना अच्छा दिख रहा है खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, मेरे तरीके से आपको बहुत ही पसंद आएगा। और पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।